हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर गाइस। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना गाइस। और एक बात, आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपडेट, जॉब के रिगार्डिंग अपडेट आती है, टेंडरिंग के रिगार्डिंग अपडेट आती है, और जो भी हार्ड टू कैड के डिज़ाइंस हो, हमारी एस्टिमेशन के सीट्स हो, एक्सेल सीट्स हो, वो वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ गाइस। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल सिविल डिज़ाइंस को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी गाइस। तो गाइस, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करना, और आने वाले वीडियोज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। तो गाइस, आप एक सिविल इंजीनियर हो, एक डिप्लोमा इंजीनियर हो, एज अ जॉब करते हो साइट इंजीनियर या फिर डिज़ाइन इंजीनियर या फिर एज अ सीनियर साइट इंजीनियर, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। जो कि डिज़ाइन के बारे में आपने आर्किटेक्चर और RCC ड्राइंग्स के बारे में, उसमें उसके साथ में जो भी आपको थंब रूल्स बताता हूँ गाइस, वो आपको साइट पर ज़रूरी काम आएंगे गाइस, यूज़फुल रहेंगे गाइस आपके डेली लाइफ में। तो गाइस, इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस, वीडियो एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंड में आपको मैं ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ साइट इंजीनियर के बारे में, जो कि आपके लिए एज अ साइट इंजीनियर यूज़फुल होगी। उसमें होगा कोई भी फैक्ट जो कि साइट इंजीनियर के बारे में हो, उसमें हो सकता है एनकरेज बार हो, हमारा कैंटिलीवर आपके डिज़ाइनिंग के बारे में हो, या फिर हमारा जो भी L/4 L/7 का सपोर्ट है उसके बारे में हो, जो कि हमारे रिंग से उसके बारे में हो सकता है, और हिडन बीम से जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्ट है हमारे उसके बारे में हो सकता है। उसके बाद होता है स्लैब के बारे में, बीम्स के बारे में, कॉलम्स के बारे में, लैपिंग के बारे में, गट एलिमेंट के बारे में। तो गाइस, वीडियो एंडिंग तक देखना और ऐसे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना गाइस। तो गाइस, हमारा अगला बीम है 143 एंड 144 के बारे में देखेंगे। वहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हो आप 143, 144, यहाँ पर है जो 143, ये वाला 142, ओके ये वाला बीम्स, और बीच में हमारे हिडन बीम्स है, देख सकते हो B57 और B40। देखेंगे 143 एंड 142 के बारे में, यहाँ पर लिखा है 143, 142, 143, 230x600 का बीम है, 16mm के 2 बार है, और टॉप में हमारे 10mm के 2 बार है, बाकी स्टीरअप बोर है तो 150mm सेंटर टू सेंटर, 80mm 5 बार, 2 लेग स्टीरअप्स। तो एज अ साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो बीम है 143, 142 में, यहाँ पर हिडन बीम दिए, हिडन बीम दिए क्योंकि उसके ऊपर सपोर्ट होगा कुछ B40 और B57 के पास, इसलिए वो हिडन बीम्स आपको देने हैं साइड पे, ओके। और 143 इसका वो जो मेन बीम है उसके ऊपर रेस्ट किए, देख सकते हो आप यहाँ मेन कॉलम पे जो बीम गया उसके ऊपर रेस्ट किए वो बीम्स। इसका अगर सेक्शन देखा जाए तो मेन सेक्शन होगा इसका बीम के बारे में, ये देखिए टिपिकल सेक्शन ऑफ बीम टॉप एंड बॉटम, ओके। जो भी हमारा मेन कॉलम है, यानी कि आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर ए वाला कॉलम और ए वाला कॉलम, इसमें बीच में हमने हमारा ए बीम है, इस तरह आपको ये बीम डिज़ाइन करना है गाइस। तो गाइस, मैंने कहा था वीडियो एंडिंग तक देखना है, एंडिंग में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ साइट इंजीनियर के लिए, जो कि आपको लाइफ टाइम यूज़फुल रहेगी। तो आज की ट्रिक है गाइस, ये जो हमारा
आप जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बीम्स पढ़ा होगा आपने किताब में कभी स्कूल कॉलेज में आपके। तो जो हमारा प्राइमरी बीम्स होता है वो देखते हैं आप, ये देखो है हमारा प्राइमरी बीम्स है जो कॉलम टू कॉलम कनेक्ट है। ओके ये प्राइमरी। उसके बाद जो बीम के ऊपर बीम सपोर्ट है वो है हमारा सेकेंडरी बीम्स। ओके ये हुआ हमारा, यानी कि कॉलम का सपोर्ट नहीं है उसके पास, ये होगा हमारा सेकेंडरी बीम्स, ये भी हमारा सेकेंडरी बीम्स हुआ। ओके और जो बीच में आता है जो भी बीम के ऊपर है, ये बीम के ऊपर ये बीम और ये दो मुख बीम के ऊपर ये बीम, ये वो होता है हमारा टर्शियरी बीम्स। इस साइड में भी देख सकते हो आप जो कि हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बीम्स क्या होता है। ये तो हमारा हुआ हमारा कॉलम टू कॉलम वाला प्राइमरी बीम्स, ये भी हुआ हमारा प्राइमरी बीम्स। ओके ये जो हम हुआ हमारा सेकेंडरी बीम्स जो कि कॉलम पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है कॉलम के ऊपर, ये भी हमारा हुआ सेकेंडरी बीम्स, ये भी हमारा हुआ सेकेंडरी बीम्स, क्योंकि एक मेन कॉलम है हमारा, मेन बीम है हमारा, इसलिए हो ये हुआ सेकेंडरी बीम्स, ये हमारा सेकेंडरी बीम्स हुआ। और जो हिडन बीम्स है हमारी वो हुआ हो सकता है हमारा टर्शियरी बीम्स। ओके जो हिडन बीम्स है वो हुआ हमारा टर्शियरी बीम्स। तो ऐसा कंसेप्ट है जो कि लोडिंग के ऊपर, इसका लोड ये बीम के ऊपर जाएगा और ये मिडल वाली बीम का रोड इस बीम के ऊपर जाएगा और ये बीम के तरफ से ये लोड पूरा कॉलम के ऊपर जाएगा और नीचे फाउंडेशन तक जाएगा ऐसे करके। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और मैंने बताई वाली ट्रिक्स और टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करना क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत चैनल ग्रो करेगा गाइस। और वैसे ही ऐसे टेक्निकल्स टर्म्स और थंब रूल्स आपको बताने वाला हूँ और आने वाले वीडियोस में। तो मिलते हैं जल्दी आने वाले वीडियोस में जो कि इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो गाइस हमारे जो आगे आने वाले बीम्स वो है हमारा 127, 130, 130, 127, 123। अगर ये देखा जाए तो इसका डिज़ाइन देखा जाए तो ये वाला बीच में डक्ट है हमारा, देख सकते हो आप 123, 127, ये देख सकते हो 123, यहाँ पर आप कहाँ पर है 123 और 127 के बारे में सेम साइज से, बार भी सेम है और स्टीरअप भी सेम है 150, यानी 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर, टू लेग स्टीरअप 8 mm, 5 R कैंटिलीवर है दोनों भी, कैंटिलीवर है देखना। ओके तो कैंटिलीवर है गाइस क्योंकि यहाँ पर निकाले वो आगे निकाले, यहाँ पे नीचे डक्ट है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। तो गाइस ये जो हमारे कैंटिलीवर बीम्स है 130, 127, 123, अगर ये इसका डिज़ाइन देखोगे आप तो ये देखो 130 यहाँ पर निकले बाहर आपने। ओके ये कैसे प्रोवाइड होता है इसका कैंटिलीवर सपोर्ट, तो आप देखेंगे कि बीम के कैंटिलीवर में कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, देख सकते हो आप यहाँ पर कैंटिलीवर स्लैब है, इसमें बीच में आपको स्लैब भी दिखाई देगा, S1 कलम, S1 वाला वन वे स्लैब है वो। यहाँ पर कैंटिलीवर स्लैब का टॉप है, यहाँ पर ये बीम का सपोर्ट है गाइस, ये बीम यहाँ पर होगा हमारा। ओके ये पूरा बीम है हमारा ये वाला। तो गाइस मैंने कहा था कि एंडिंग में मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा ड्राइंग के बारे में, या फिर एज ए साइड इंजीनियर आपको डे टू डे लाइफ में यूज़फुल रहेगी। तो गाइस ये जो इलेक्ट्रिकल डक्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिकल लाइनिंग के लिए स्पेशली दिया गया है, दोनों साइड से दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, एक क्रॉस दिखा है इलेक्ट्रिकल लाइन के बारे में। ये रूम है हमारा 3x3 का रूम होगा शायद। ओके एज ये जो बार दिया है
एक कैंटिलीवर है, CS9 में आपको दिखेगा ये CS9। ओके, स्पेशली CS9 दिया है उसको, कैंटिलीवर स्लैब 10 का बार है, 100 mm सेंटर टू सेंटर है, और एट द टॉप है। एट द टॉप बोले तो आपको ए यूज़ करना है, ए वाला सेक्शन यूज़ करना है एट द टॉप। ओके, तो गाइस एज अ साइड इंजन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो भी हमारा ये सपोर्ट का जो एक्स्ट्रा बीम है हमारा CS9 सॉरी, यहाँ पर इसका जो डायमेंशन है CS9 कैंटिलीवर स्लैब है अलॉन्ग शॉर्ट स्पैन और लॉन्ग स्पैन की डायरेक्शन है इसके ऊपर। और यहाँ पर मेन जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला सेक्शन, ओके कैंटिलीवर, यहाँ पर ये जो बार है घूम के यहाँ पर आता है, इसका जो है ऊपर इसका डबल होगा, ओके डबल होना चाहिए इसका, एक्स हुआ तो ये 2x होगा। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई, आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए गाइस। तो गाइस आपको ट्रिक अच्छी लगी, फैक्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। तो गाइस मैंने कहा था कि वीडियो एंडिंग तक देखना है, एंडिंग में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ एज अ साइट इंजीनियर आपको डे टू डे लाइफ में वर्क में यूज़फुल होगी। ये जो CS7 है और CS12 है, ये इसका बार रिटेलिंग है, यहाँ रिमार्क में लिखा है फ्रॉम बीम बॉटम एंड बीम टॉप। तो आपको सेक्शन में देखना है गाइस बीम बॉटम और बीम टॉप क्या होता है। तो आपको यहाँ पे लिखा है बीम बॉटम एंड बीम टॉप कैंटिलीवर स्लैब, डिटेलिंग दी है उसकी। तो आपको ये दोनों तरफ से ये डिटेलिंग प्रोवाइड करनी है एज अ कैंटिलीवर 7 में, ओके और 12 में इस तरह प्रोवाइड करनी है CS12 में, जहाँ पर वो बीम बॉटम के लिए सपोर्ट दिया है गाइस। ओके, जो बार होगा आपका वो ऐसा घूम के आएगा गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे बार डिटेलिंग। तो गाइस अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो भी सेक्शन सीट, सेक्शनल सीट है हमारा कैंटिलीवर स्लैब का, और जो भी हमारा टिपिकल सेक्शन है बार बेंडिंग शेड्यूल है स्लैब के लिए, जो भी हमारे स्लैब है उनके बार रिटेलिंग होगी, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल होगा, या फिर उसकी जो भी कटलमेंट लेंथ होगी उसके बोलते हैं ना हम क्या, उसका जो भी जीरो बेंडिंग मोमेंट होगी वहाँ पर एक कंटलमेंट प्रोवाइड की जाती है, जो भी बीम की हमारी जीरो बेंडिंग मोमेंट है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे गाइस, और आने वाले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले गाइस। तब तक के लिए चैनल को लाइक सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस। एज अ साइड इंजीनियर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए गाइस, जो कि हमारे वर्किंग में वो इस्तेमाल होती है गाइस डे टू डे लाइफ में। एज अ साइट इंजीनियर आप वर्क करते हो तो आपको सब ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए गाइस, जो कि बीम बॉटम टॉप या फिर कहाँ पर कौन सा कैंटिलीवर सेक्शन आपको दिया गया है, उसके बारे में डिटेलिंग क्या है, उसके एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, रेब लेफ्ट सपोर्ट, बीम बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट, स्टीरअप स्पेसिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। बाद में आता है आपका जो है डिज़ाइन के बारे में, उसके ऊपर भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा गाइस। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।